हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुक विद प्रीति में। आज मैं आप सबके साथ चिकन लीवर फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने एक पेस्ट रेडी किया है जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल लिया है और थोड़ा सा हल्दी डाल लूँगी मैं इसमें। अब मैं कढ़ाई गरम कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी, और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी मैं। जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाएगा हमारा, फिर मैं उसमें ये लीवर डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 kg लीवर लिया है। तेल को हम अच्छे से पूरे कढ़ाई में स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो लीवर है वो चिपके ना, और फिर धीरे धीरे करके इसमें सारे लीवर डाल देंगे हम। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। ये देखिए, पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक यूज़ किया है क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला है। और ये पूरा मसाला डाल देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और फिर इसे अच्छे से चला लेंगे हम। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हम इसे चला लेंगे। और इसे हम हाई फ्लेम पे ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये पक भी जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो मैंने इसे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया है, तब जाके ये इतना थिक हो गया है और इसका पानी जो है पूरा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे, और इसे आप ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ गार्निश कर लें। ये देखिए, हमारा चिकन लीवर फ्राई बनके रेडी है। इसे कुक होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप चाहे तो इसे रोटी या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।